सो है गाइस, पता आ चुकी हूँ और चलो दिखाती हूँ मैं मेरा घर, मतलब जहाँ रेंट में रहती हूँ मैं दीदी लोगों के साथ, तो वहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई किया जा रहा है, ये देखो कलर वगैरह हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए और इसके वजह से जो है ना सामान से इधर उधर बिखरा बिखरी करके रखे हुए हैं, क्योंकि सीमेंट सीमेंट के रखेंगे जब ये पूरा होगा तब। और ये देखो छोटा सा रूम, जो इसी को साफ़ सफाई किया जा रहा है, पहले बाहर फिर अंदर, ऐसे जब उसका काम होगा उसके बाद फिर इसको करेंगे ऐसे। और ये सब जो है देखो इधर उधर में रखे हुए हैं हम लोग, क्योंकि साफ़ सफाई चल रहा ना। हाँ, और वो देखो वो जो कोना में है वहाँ पे एक बाथरूम है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, ऊपर भी है तीन बाथरूम्स जहाँ पे हम लोग एक में नहाते हैं, मतलब मालिक लोग नहाते हैं, और ये एक रूम है उनका, मतलब उन्हीं लोगों का रूम है, और वो उनका किचन, वो देखो उनका किचन, हाँ किचन है, मैं अंदर नहीं दिखा सकती, बाहर से ही थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ मैं ऐसे। तो वो उनका किचन है और ये उनका और एक रूम जहाँ पे मालिक लोग सोते हैं, और ये हमारा रूम जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और देखो दीदी क्या कर रही है हाँ, और यहीं पे मतलब छोटा सा जगह है तो यहीं पे सीमेंट सीमेंट के रखना पड़ता है, इतना जगह है नहीं तो इसीलिए। और ये देखो कपड़ा उपड़ा हम लोग का, और ऊपर बुक्स है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो रखे हुए हैं, और ये है कूलर हम लोग का, और यहीं पे किचन, मतलब छोटा सा रूम है तो यहीं पे खाना वाना बर्तन वर्तन जितना भी है सब चीज़ यहीं पे रखते हैं हम लोग, तो भाई करना पड़ता है सीमेंट सीमेंट के रखना है कि नहीं। हाँ तो बस यही सब था, यहीं तक था। और देखो ये जूता सब, ये सब वो सब कपड़ा उपड़ा जो जितना भी है ऐसे। तो गाइस कमेंट करके बताना घर मेरा कैसा लगा।